आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। मेटा फेसबुक के एसके लाइव एर बांग्ला खबरें जे कोनो अपडेट देखते चोक राखुन एसके लाइव बांग्ला पेजे। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है, अगर उठाना है आपको लुफ्त साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कॉन्टेक्ट करें 9434751555 पर। अंकितास केक्स एंड कैफे, एमजी रोड, बीड, पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। सेवन कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बंगाल में ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल में किया बदलाव, वित्त विभाग रखा अपने पास, नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी के निधन और वित्त मंत्री अमित मित्रा के 6 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाने तथा साधन पांडे के बीमार होने की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल करना पड़ा है। पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि उपचुनाव में भारी अंतर से जीते विधायकों को ममता मंत्री बना सकती है, परंतु उन्होंने मंत्रिमंडल में कोई नई सदस्य को शामिल नहीं किया बल्कि विभाग में बदलाव कर दिया। वित्त विभाग ममता बनर्जी ने अपने पास रख लिया है। साथ ही पहली बार बंगाल में वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। यह दायित्व अपनी करीबी चंद्रिमा भट्टाचार्य को दिया गया है। चंद्रिमा के पास पहले से ही नगर विकास विभाग का स्वतंत्र प्रभार है। वहीं अमित मित्रा को वित्त विभाग का मुख्य सलाहकार बना दिया गया है, यानी अघोषित रूप से वित्त मंत्री का कार्य अमित मित्रा ही देखेंगे। वहीं पुलक रॉय राज्य के नए पंचायत मंत्री होंगे। साथ ही मानस भुइयां को उपभोक्ता विभाग भी सौंप दिया गया है। इसके साथ ही सिंगूर के विधायक बेचाराम मन्ना को उद्योग पुनर्वास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। 2.5 साल बाद भारत नेपाल बस सेवा शुरू। नेपाल के लिए भारत से बस हुई रवाना, दोनों देशों के लोगों में खुशी की लहर। करीब 2.5 साल की कोरोना महामारी के बाद मंगलवार को भारत नेपाल बस सेवा शुरू हो गई। हालांकि नेपाल से भारत के लिए बस सेवा पिछले सोमवार से शुरू हो गई है। लगभग 1.5 साल बाद सोमवार को नेपाल भारत मैत्री बस सेवा नामक एक बस भारत के लिए नेपाल से रवाना हुई थी, जो आज सिलीगुड़ी पहुंची। वहीं मंगलवार को यह बस पहली बार भारत से नेपाल के लिए रवाना हुई। भारत नेपाल बस सेवा शुरू होने के साथ ही भारत नेपाल के बीच यात्रियों के साथ सामानों का आदान प्रदान फिर से शुरू हो गया है। भारत नेपाल बस सेवा शुरू होने से दोनों देशों के पर्यटक और आम लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। गौरतलब है कि बस में चढ़ने से पहले यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों से गुजरना होगा। पहले दिक्कत पहले वाला आई डोंट नो बिकॉज़ आई नेवर बीन दिस टाइम, दिस इज माय फर्स्ट चांस, सो आई एम गोइंग टू सी हाउ द सर्विस इज। If the service is satisfactory, then I think it will do a lot of good for people. No, it's very good. This service is very encouraging and it should be maintained. But during the lockdown time, it was discontinued. But now it is revived again, so I am very happy. And our people will be also, it will be very easy for them to get the bus right from Siliguri to Kathmandu. Very encouraging. और ये जो है फ्यूचर के लिए जो है हमारे फ्रेंड्स इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप को भी इसको प्रोग्रेस होगा, इसको फायदा होगा। आज के एक्चुअली हमारे खूब माने आनंद होच्छे जो बोलते जो आज के दीर्घ 1.5 बछर पर हमारे इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप बस सर्विस शुरू होते चले, मैंने शुरू होते चले मैंने शुरू हो गए आज के जा আমাদের এখান থেকে প্রায় 16 প্যাসেঞ্জার বুকিং হয়েছে এবং কাকরবিতা থেকে ফোন বুকিং হয়েছে প্রায় 26, মানে প্রায় 40 আমাদের আজকে বুকিং হয়ে গেছে 45 সিটের মধ্যে। আর এইটা আজকে শুরু হওয়াতে আমাদের সবারই একটা খুশি আনন্দ উদ্দীপনা সবারই মধ্যেই চলছে।
কারণ গত দেড় বছর আগে প্যান্ডামিকে এই গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেছিলো। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা অ্যাকচুয়ালি পর্যটনের দিক থেকেও আর আমরা নিজেদের মানে আপনি বলতে পারেন ব্রেড অ্যান্ড বাটারের দিক থেকেও আমরা মোটামুটি একদম অসহায় ছিলাম। তাই যাই হোক, আজকে অনেক দিন পর এই গাড়িটা শুরু হওয়াতে মনে হচ্ছে যে আমরা যে এই প্যান্ডামিকে যে ট্যুরিজমটা যে ধাক্কা খেয়েছে এইটা কিছুটাও যদি এখনও যেহেতু প্যান্ডামিক আছে তাও যদি আমরা কিছুটা মেকআপ দিতে পারি এই ধাক্কাটাকে। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कर्मी आज सड़क पर उतर आए। राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए पेट्रोल पंपों के सामने बीजेपी नेता व कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाए कि देश के करीब 22 राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट नहीं की गई है। इसी के प्रतिवाद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। গতকালই আমরা আমাদের রাজ্যের ডাকে সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করা হয়। সেখানে আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার আজকে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন যে রাজ্যের লভ্যাংশ ছাড়া পেট্রোল ডিজেলের ক্ষেত্রে যা সারা দেশের 22টি রাজ্যে ইতিমধ্যেই অনুসরণ করেছেন, কেন্দ্রের সরকার বিশেষত আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ডিজেলে 10 টাকা এবং পেট্রোলে 5 টাকা ছাড় দেন, পরে উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্য উত্তরপ্রদেশ 12 টাকা করে পেট্রোল এবং ডিজেলে ছাড় দেন। রাজ্যের সরকারের কাছে আমরা আবেদন জানাই যে মানুষের স্বার্থে তিনিও নরেন্দ্র মোদীর পথ অনুসরণ করুন, যোগীর পথ অনুসরণ করে পেট্রোল ডিজেলের রাজ্যের লভ্যাংশ থেকে ছাড় দিন এবং মানুষকে সুরাহা দিন। IRTC কি তরফ সে যাত্রা প্রেমিও কে লিয়ে बड़ी सौगात, पैकेज टूर की शुरुआत। पत्रकार सम्मेलन कर दी गई जानकारी। यात्रा प्रेमियों के लिए IRTC ने बड़ी सौगात दी है। IRTC के द्वारा पैकेज टूर का आयोजन किया गया है। इस पैकेज टूर के जरिए लोग पुरी के जगन्नाथ धाम समेत विभिन्न दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी गई। 21 दिसंबर को आसाम के डिब्रूगढ़ से ट्रेन की यात्रा शुरू होगी। ट्रेन में 5 AC 3 टायर और 5 non-AC कोच की व्यवस्था की गई है। AC कोचों का किराया 12,600 रुपये और non-AC कोचों का किराया 7,580 रुपये निर्धारित किया गया है। डिब्रूगढ़ से रवाना होने के बाद 22 दिसंबर को ट्रेन सिलीगुड़ी के NJP स्टेशन पहुंचेगी। यात्रा के दौरान यह ट्रेन एक दिन नवदीप में रुकेंगे। इसके बाद लोगों को मायापुर और नवदीप का दर्शन कराया जाएगा। ट्रेन 24 दिसंबर को सुबह पुरी पहुंचेगी। वहां 2 दिन तक विभिन्न दर्शनीय स्थल दिखाया जाएगा। बाद में 28 दिसंबर को ट्रेन फिर डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगी। IRTC ने जानकारी दी कि इस यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए खाने समेत तमाम इंतजाम किए जाएंगे। और पुरी ते जाने पर अवश्य पुरी जो टेम्पल है से देखो। इसड़ा साइट सीइंग नहीं जाब कोणार्क मंदिर और ऑन द रूट पा चंद्रभागा बीच से कस्टमर तारा घूरते प्लस पुरी बीच तो आज फ्री एक दिन फ्री थक विकल बेलटा अपना डिजाइनर मत कर घूरते शपिंग करते सब रकम कुछ कर। আর এই ট্রেনের আরও যেগুলো ব্যাপার থাকছে সেগুলো হচ্ছে সবসময় আমাদের সাথে একজন ডাক্তার যাবে, কারণ যদি কোনো অসুবিধে হয় তাহলে ডাক্তার সবসময় থাকবে। প্রত্যেক কোচের সিকিউরিটি থাকবে আর আমরা যত জল দেবো সব জলগুলো প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হবে, কোনো লুজ জল কোনো প্যাসেঞ্জারকে দেওয়া হবে না। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी सूर्य उपासना का पवित्र पर्व छठ हर्षोल्लास के साथ पालित हो रहा है। नदी किनारे छठ घाट बनाने का काम जोरों पर है। इस बीच आज सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने सिलीगुड़ी महानंदा नदी किनारे छठ घाटों का उद्घाटन किया। इसी के साथ उन्होंने लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दी है। अरे गतबार प्रॉब्लम हो डायरेक्शन पुरसभा ডিভোটিজের সব যারা পুণ্যার্থী পুজো করেন তাদের দাবি অনুযায়ী এবং বিভিন্ন ছট
শাখা পুজো সমিতি তাদের সাথে মিলে কথা বলে আমরা এই কাজটা করলাম এবং এই কাজটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট এবং ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট তারাও কিছু কিছু পোর্শনে কাজ করেছে সব মিলে আমরা করলাম এবং আজকে আমাদের কমিশনার এসএলসি আমাদের এসএনিয়া ডিবি বোর্ড অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অনেক সদস্য এসেছে রঞ্জন সরকার রামমোহন মাহাতো কমল আগরওয়াল দেবপ্রিয় সেনগুপ্ত শ্রাবণী দত্ত মানিক দে তারা সবাই আছেন আমরা একসাথে মিলে এই ছটকাটা আজকে উদ্বোধন করলাম কই যাইয়েগা মত বনে রইয়ে ব্রেক কে লিয়ে घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल सोफा सेट वॉल यूनिट ऑफिस फर्नीचर लेदर सोफा महाराजा सोफा इत्यादि इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से डेकोर योर ड्रीम सत्यम प्लाजा नियर भक्ति नगर चेक पोस्ट सेवक रोड सिलीगुड़ी फोन 9564130130 शादी हो या सगाई या हो कोई तीज त्योहार करनी हो शॉपिंग सोने के आभूषणों की डर लेना हो डायमंड सेट जहां एक ही जगह मिले कुंदन से लेकर रूबी पन्ना के तमाम वैरायटी इस दीपावली पाइए 100% डायमंड गहनों पर मेकिंग चार्ज फ्री और 10% गोल्ड बैक चार दशकों से जिसने बनाया अपना एक अलग पहचान हॉलमार्क और ISO सर्टिफाइड सिलीगुड़ी के सेठ सुलाल मार्केट स्थित सिल्वर क्वीन ज्वेलर्स पक्का सोना पक्का विश्वास अगर उठाना है आपको लुफ्त साउथ इंडियन खाने का बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड फिर ऑल डे दिल करे साउथ ही मूड तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखें सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया बदल गया माहौल घर का चमक गया मूड यूं बदल गया माहौल घर का चमक गया मूड ऐसा बदल गया माहौल घर का चमक गया सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स सूर्या सबको मूड में ले आए जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को जहाँ मिले एक ही छत के नीचे इंडियन साउथ इंडियन चाइनीज स्नैक्स पिज्जा बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार अंकिता'स केक्स एंड कैफे MG रोड भीड़ 12 कॉन्टेक्ट नंबर 9434016803 लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ परेशानी से निजात पाओ घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल जी हाँ UPS इन्वर्टर बैटरी स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स पानी टंकी मो सेवक रोड सिलीगुड़ी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान मार्केट से कम मिलेंगे दाम कॉन्टैक्ट अस 9434062106 This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.
50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिया धरना। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को कम करने की मांग को लेकर अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर भाजपा कर्मी और समर्थकों ने आज धरना प्रदर्शन किया। मंगलवार को अलीपुरद्वार के फालाकटा, कालचीनी, अलीपुरद्वार और असम बंगाल सीमा के बारहविसा के कुमार ग्राम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मनोज कुमार ओराव के नेतृत्व में बारहविसा के एक पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शन किया गया। विधायक ओराव ने बताया कि अन्य राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं। इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। राजगंज में गुटखा के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, 4 गिरफ्तार। गुटखा के खिलाफ अभियान चलाकर राजगंज पुलिस ने 4 व्यवसायियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही भारी मात्रा में गुटखा भी जब्त किया है। आरोपियों की पहचान राजगंज के स्कूल पाड़ा के निवासी अमित घोष, सुभाष पल्ली के रॉकी मोहम्मद, फाटापुकुर के अरुण ठाकुर और झड़ू पाड़ा के शरण शाह के रूप में हुई है। आज व्यवसायियों को चेतावनी दी गई कि वे तंबाकू और निकोटीन युक्त पान मसाला और गुटखा ना बेचे। इसके अलावा कई दुकानों पर अभियान चलाकर भारी मात्रा में गुटखा जब्त किया गया। इस घटना में पुलिस ने 4 व्यवसायियों को भी गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 7 नवम्बर से 1 साल के लिए तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसालों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस निर्देश के अनुसार आज राजगंज पुलिस ने अभियान चलाया। बताया गया कि आज बेलाकोबा चौकी की पुलिस की ओर से भी गुटखा के खिलाफ अभियान चलाया गया था। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतें अन्य राज्यों में कम है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं। इसके खिलाफ मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा द्वारा जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन से सटे 3 नंबर गुमटे इलाके के एक पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा मोर्चा के सभापति पलन घोष कर रहे थे। उनके साथ भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किया है और उसी के अनुसार कई राज्य सरकारों ने भी दाम तय कर दिए, लेकिन तृणमूल सरकार आखिर पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल से वैट हटाया जाए ताकि आम लोगों को समस्याओं का सामना करना ना पड़े। केंद्र जो राज्य आछे, माने आमादेर भारतवर्षे जो राज्य आछे, तार मध्ये विशेष करे BJP শাসিত রাজ্যগুলো, তারা আগে তাদের শুল্ক কমিয়েছে, কেউ 15 টাকা, কেউ 13 টাকা, কেউ 12 টাকা, কেউ 10 টাকা ডিজেল এবং পেট্রোল থেকে। সেটা পাশাপাশি ভারতবর্ষের টোটাল 22টি রাজ্য বর্তমানে এই শুল্ক পেট্রোল এবং ডিজেল থেকে কমিয়েছে। কিন্তু যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে এখন কোনো ভোট নেই, এবং ভোট দিয়ে সাধারণ মানুষকে কোনোভাবে লুব্ধ করা যাবে না, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সরকার এইটার থেকে বিরত রেখেছে নিজেদেরকে। আমাদেরকে আমাদের সেটাই দাবি যে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্য, বিশেষ করে অর্ধেকের বেশি রাজ্য যেখানে শুল্ক কমিয়েছে, সেখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কেন শুল্ক কমবে না। তারা চাইলেই 10-15 টাকা তাদের পেট্রোল এবং ডিজেল থেকে তারা শুল্ক কমাতে পারে, যাতে সাধারণ মানুষের অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু তারা সেটা করবে না, কারণ যেহেতু এখন এখানে কোনো ভোটের রাজনীতি নেই। কিছুদিন আগে কুণাল ঘোষ পেট্রোল পাম্পে গিয়ে বলেছেন যে জয়শ্রীরাম বললে নাকি পেট্রোলের দাম কমবে নাকি। তা আপনাদের মাধ্যমে আমি কুণাল ঘোষকে জানাতে চাই যে এখন আমি জয় বাংলা বলছি, আপনারা শুল্ক কমাতে পারলে কমান। আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আমি এখানে জয় বাংলা বলে যাব, আপনি শুল্ক কমাতে পারলে কমিয়ে দেখান। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছেন এই মুহূর্তে তা সম্ভব না যে উনি শুল্ক কমাতে পারবেন পেট্রোল এবং ডিজেল থেকে। আমার কথা হচ্ছে কেন কমাতে পারবেন না, মদের টাকা দিতে উনি চারপাশে টাকা দিয়ে বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাহলে কেন পারবেন না। প্রত্যেকটি রাজ্য পারলে, তার মানে বাংলা সবচেয়ে পিছিয়ে আছে। বাংলা সব জায়গায় নিজেদেরকে সব জায়গায় গিয়ে বলে বেড়ায় যে বাংলা এগিয়ে আছে, বাংলা এগিয়ে, বাংলা এগিয়ে, তাহলে শুল্ক কেন কমাতে পারছে না, তার মানে বাংলা টাকা নেই। छठ पूजा को लेकर बाजारों में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। दुर्गा पूजा और दीपावली के बाद अब बुधवार को गुरुवार को छठ पर्व है। पूजा को लेकर छठ घाट बनकर तैयार हो चुका है, तो दूसरी ओर छठ पूजा बाजार भी गर्मा गया है। खरीदारों के लिए बाजारें लग चुकी है और भारी भीड़ देखी जा रही है।
लोग छठ पूजा की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। ऐसा कुछ ही दृश्य उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज शहर के महेंद्रगंज और तारा बाजार में देखने को मिला। हालांकि फलों के दाम जरूर बढ़े हैं, लेकिन इसके असर छठ के बाजार पर नहीं देखने को मिल रहा है। छठ पूजा की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि अब छठ केवल हिंदी भाषी ही नहीं बल्कि बंगाली समुदाय के लोग भी छठ पूजा करने लगे है। বাজারে আসছিলাম ছট পূজার সব জিনিসপত্র কিনতে। ছট পূজা তো আজকে থেকে আরম্ভ হয়ে গেল, আজকে খরনা আছে, কালকে সন্ধ্যাবেলা অর্ঘ আর পরশুদিন সকালবেলা শেষ। আগে এই পূজার মহত্ব কেউ জানতো না, আর এই পূজা এমন পূজা যেখানে পুরোহিত লাগে না, নিজে মানে মন শুদ্ধ করে এটাকে করা যায়। এই জন্য যখন আস্তে আস্তে মহত্বটা জানতে শুরু করলো, তখন এই পূজার প্রতি মানুষের ঝোঁকটা আস্তে আস্তে বাড়লো। আমি ছট পূজার করি তো, তাই ছট পূজার বাজার করতে আসছি। সমস্ত লাগে, ডালা কুলা যত সবজি ফল সব লাগে আমাদের। এই আজকে হলো আমাদের খরনা, কালকে আমাদের লাউ ভাত হয়েছে, আজকে আমাদের খরনা, কালকে আমাদের বিকালে ঘাটে, বৃহস্পতিবারে সকালে ঘাটে। कृषि विभाग के अधिकारियों ने चलाया बाजारों में अभियान। आलू प्याज सहित अन्य सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जलपाईगुड़ी से लेकर डुवर्स तक सब्जी बाजारों में जैसे आग लगी हुई है। स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को कृषि विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न बाजारों में अभियान चलाया। मंगलवार सुबह से ही जलपाईगुड़ी दीन बाजार सहित विभिन्न बाजारों में अभियान चलाया गया। इस दौरान व्यवसायियों को सतर्क किया गया कि ग्राहकों से किसी भी कीमत पर अधिक पैसे नहीं लिए जाए। अभियान में डिप्टी मजिस्ट्रेट स्वपन पात्र, डीएसपी, डीआईबी टीटी भुइया और कृषि दफ्तर के सुब्रत देव प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ये अभ्यासटा नहीं, ओरा एकटा काचारो सिद्ध दिच्छे। आमरा सकल रिटेलर होलसेल के होलसेलर जारा आछे तादेरके सतर्क करलाम, तादेर डुप्लीकेट कपि राखते हबे। सात दिन समय देवा हलो, যদি ডুপ্লিকেট না রাখে রিসিপ্ট, তাহলে আমরা তাদের আইন অনুযায়ী যা পদক্ষেপ নেব সেটা এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। কিছু কিছু কমোডিটির ক্ষেত্রে কিছুটা ফাটকা কারবার চলছে, কিছু কিছু সব ক্ষেত্রে নয়। পরিবহনের কস্ট বেড়ে গেছে, কিছু সবজি সেটা উৎপাদনও কমে গেছে এই মুহূর্তে, আবার নতুন ক্রপ উঠবে, হ্যাঁ, তারপরে প্রাইসটা স্টেবল হবে। এরকম প্রতি বছরই হয় এই সময়টা, বিশেষ করে পুজোর আগে বা পুজোর পরে। সেই জায়গায় কিছু ফাটকা কারবারও চলে, আমরাও সেটা সেই দিকে আমরা নজর রাখছি। এবং এটাও বাস্তব যে পরিবহন মূল্য বেড়ে গেছে, এবং কিছু কিছু সবজি যেগুলো এখন ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সেগুলো আবার সেকেন্ড লটে আমাদের আবার বাজারে আসবে, হ্যাঁ, যোগান বেড়ে যাবে। आजके लिए इतना ही, आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो, हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल, हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार, इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी, साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव, आपका भरोसेमंद चैनल। एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।